गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज का यानी 1 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आपको पता है कि इस साल का आपका लास्ट मंथ शुरू हो चुका है, तो नवंबर की जो आपकी कंप्लीट वीडियो है आज ही के दिन शाम तक मिल जाएगी। तो आज से हम शुरू करने वाले अपना नया मंथ, और आज का जो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैंने इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को कवर किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एज अ सिटीज़न होने के नाते भी आपको ये उन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम देखने के वाले हैं, आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, कई ऐसी चीज़ करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके स्टैटिक पार्ट के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उनसे बाकी के वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की भी लिंक है, आप वहां से जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर एक रिलीजियस मूवमेंट के साथ। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा, महिमा कल्ट इज़ अ रिलीजियस मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। महिमा पंथ जो कि एक धार्मिक आंदोलन है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी तेलंगाना एंड डी बिहार। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन के ज़रिए हम ये देखेंगे महिमा कल्ट है क्या, ये न्यूज़ में क्यों आया है, साथ ही साथ महिमा कल्ट का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो भी देखेंगे, उसी के साथ साथ महिमा कल्ट किस हिसाब से बना था, उसके फाउंडर कौन है, उन सबको भी हम देखने वाले हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने ऑफिशियली 2 दिन का सेमिनार रखा है, किसके लिए? तो ये 2 दिन का सेमिनार भीम भोई महिमा पंथ का जो प्रभाव पड़ा है उसके लिए रखा गया है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं महिमा कल्ट है क्या। तो महिमा कल्ट में आपने एक नाम सुना है जो कि भीम भोई, तो ये क्या है? तो भीम भोई ने मॉडिफाई किया था महिमा पंथ को और वो खुद इसके गुरु बन गए थे। बड़ी बात है वो है कि ये कंध ट्राइब से रिलेटेड थे और उसके साथ ही साथ इन्होंने ऐसी धार्मिक व्यवस्था बनाई जो कि जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा को अस्वीकार करती है। तो अब देख लेते कि आखिर रियल में महिमा धर्मा मूवमेंट क्या था उसके बारे में। महिमा धर्मा मूवमेंट जिसको हम महिमा पंथ भी कहते हैं, ये एक हिंदू सेक्ट की प्रैक्टिस किया गया था उड़ीसा में और उसके आसपास के राज्यों में। ये रिलीजियस मूवमेंट है बेस्ड था भगवान की पूजा पर, जिसको हम आलेख भी कहते हैं। और आमतौर पर अगर देखा जाए तो इसमें जो अमीर और उच्च वर्ग के समाज द्वारा निर्धारित सभी धार्मिक रीति रिवाजों की निंदा की गई है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे महिमा स्वामी, जो रियल इसके फाउंडर थे, बाकी जो भीम भोई हैं उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। तो महिमा स्वामी या उनको महिमा गौसेन भी कहते हैं, वो इसके रियल फाउंडर थे। उड़ीसा के एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है उत्कला दीपिका, उसके अनुसार बताया गया कि 1867 में जो महिमा स्वामी थे उनके जो महिमा स्वामी थे उनके अस्तित्व की पहली रिपोर्ट जो है वो पता चली थी। इसके साथ ही साथ ये एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें किसी तरह की कोई कास्ट ना हो, किसी तरह की कोई क्लास ना हो और ना ही किसी का कोई एक्सप्लाइटेशन हो, सब एक समान रहें। और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे बात करते थे, इन्हें अहिंसा पसंद थी और साथ ही साथ इनका कहना था कि हमें हर किसी के प्रति दयालु होना चाहिए, फिर वो चाहे इंसान हो, इंसान के साथ साथ चाहे कोई चिड़िया हो, जानवर हो, कीड़े हो आदि। तो महिमा कल्ट जो है वो एक यूनिक रिलीजियस मूवमेंट है जो कि सिंप्लिसिटी को, समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है लोकीमॉन फेथ इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट आर यूनियन टेरेटरी। लोकी मेन जो आस्था है वो किस भारतीय या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आसाम, बी उड़ीसा, सी गोवा एंड डी बिहार। यह आप देखते हैं ना कि मैंने पीपीटी में हमेशा मैं एक मैप देती हूँ उसका स्केच, तो ये इसलिए देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आखिर किस स्टेट की बात हो रही है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बॉर्डर को लेकर हमेशा क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए आसाम। तो लोकीमोन जो फेथ है वो फाउंड किया गया था क्रूसल लोखन
इंगती हंसक के द्वारा, जो अहिंसा, संयम, शांति, मित्रता, विश्वास, भक्ति और पवित्रता पर जोर देती है। और कार्बी ऑंगलोंग को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा, उन्होंने 5 करोड़ रुपए के बजट के साथ कार्बी ऑंगलोंग के डोलमारा में लोकीमोन मंदिर के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2024 एशिया पेसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हम देखेंगे इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, साथ ही साथ देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, क्योंकि रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में आया क्यों। 2024 का जो एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो वो यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो 2015-16 और 2019-21 में 25 से 15% तक गिरी है। और इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इंडिया उन सारी कंट्रियों में से है जहां पर हाई इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी प्रॉपर्टी और धन में असमानता देखने को मिली है। और इंडिया में 2000 और 2022 के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो $442 से $2389 से बढ़ी है। जबकि अगर वीमेन की बात की जाए तो उसमें वीमेन का जो लेबर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 23% है, जो कि सही नहीं है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। और ये दो ऑर्गेनाइजेशन के मर्जिंग पर बेस है। एक हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेंट प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस एंड यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और जनवरी 1966 से ये फोर्स में आया। और इसका काम क्या है, डेवलपिंग कंट्री को एडवाइस देता है, ट्रेनिंग देता है और उनको सपोर्ट भी देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनकी सहायता पर और ज़्यादा जोर देता है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो हो जाएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसी के साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, वो हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम है प्रमोट करना सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया और पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विस की नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में। और ये कहाँ पर है, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो इसके जो फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है क्लॉस। इसकी कुछ ऐसी रिपोर्ट है जिससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते ही रहता है, जिसमें पहली रिपोर्ट आपकी हो जाएगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ इंसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इससे यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। फिर है आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और आपका हो जाएगा ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएनडीपी ये सब कौन कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, जो कि हो जाएगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये बैंक जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मिशन है कि एशिया के रीजन में इम्प्रूव करना सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स को। ये इस्टेब्लिश हुआ था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी। तो इसमें जो पार्टीज थी वो 57 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बीजिंग में। और अगर देखा जाए ये फोर्स में कब आया, तो ये आया था जनवरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज फंडिंग इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी इन उत्तराखंड। कौन सा ऐसा देश है जिसने इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया, और साथ ही साथ वो उत्तराखंड में फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देना चाह रहा है। तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस, बी यूके, सी कैनेडा एंड डी नॉर्वे। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी,
नॉर्वे, नॉर्वे जो है वो हेल्प करेगा इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट में, साथ ही साथ जो विमेन लीडर्स हैं इंडिया की उनको भी स्ट्रेंथन करेगा और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा और जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है उत्तराखंड में उसमें भी ये हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट है, विच इंटरटेनमेंट चैनल कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का समर्थन करने के लिए किस मनोरंजन चैनल ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग के साथ सहयोग किया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाल विकास की मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो कौन हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सोनी, बी स्टार, सी कलर्स एंड डी जी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी कलर्स। कैसे, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो कलर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव को। उसके पीछे रीज़न है कि उसका एम है जो गर्ल चाइल्ड अबंडनमेंट हो रहा है, यानी जो गर्ल चाइल्ड को मारा जा रहा है और उनको त्यागा जा रहा है, तो उसको लेकर इन्होंने एक शो बनाया है डोरी। तो इसी से जो दूसरा क्वेश्चन निकलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है क्या, तो वो भी देख लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2015 में। इसका एम था कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, यानी अगर पता चले कि लड़की है तो अबॉर्शन करा लेना, तो वो उसको रोकना, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 1,000 लड़कों पर सिर्फ 918 लड़कियाँ ही थीं, जो कि सही चीज़ नहीं थी। तो ये जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है कंट्री के 405 डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो हो जाएगा जो जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन है उस पर रोक लगाना, गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन करना, साथ ही साथ जो गर्ल चिल्ड्रन के राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि UPSC में भी 2017 के 18 में इससे क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप जाके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द सिंगर ऑफ अबंडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी अवार्ड। अबंडेंस इन मिलेट्स गीत के गायक कौन है जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फाल्गुनी शाह, बी उदित नारायण, सी आशा भोसले एंड डी शंकर महादेवन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए फाल्गुनी शाह। जो सॉन्ग है अबंडेंस इन मिलेट्स, तो ये जो है PM मोदी के ऊपर फीचर किया गया है और इसको जो गाने वाली हैं वो है इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौर शाह ने इस गाने को गाया है। नॉमिनेटेड हुआ था ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए। कौन सा ईयर मिलेट्स ईयर के रूप में जाना जाता है? मैं बेस क्वेश्चन निकल के आया था जो कि आपका हो जाएगा नॉर्वे। तो आपको नॉर्वे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसके नोट्स बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका आंसर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।